सड़क सड़क हादसे में 7 लोगों के असामयिक निधन और हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि ईश्वर देवगंत आत्माओं को शांति एवं शोकाकुल परिजनों की संबल प्रदान करे, घायलों के शीघ्रता शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा में नशे के कारोबार करने वालों को लेकर मंत्री अनिल विज ने कहा, हरियाणा में नशे का कारोबार करने वाले ये काम करना छोड़ दो या मेरा हरियाणा छोड़ दो, हम ऐसे लोगों को रहने नहीं देंगे। हमने सबकी सूचियां बना ली हैं जिन्होंने नशे के कारोबार से संपत्ति बनाई है, हम उन सब पर कार्रवाई करेंगे। मेरे बुलडोजर सब जिलों में तैयार खड़े हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल होंगे, ये जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, नशा ले रहे हैं या नशा बेच रहे हैं, ये इस कारोबार को छोड़ दें या मेरा हरियाणा छोड़ दें, हम इनको रहने नहीं देंगे। हमने सब जगह टीमें बना दी हैं और जो इन्होंने नशे के कारोबार से पैसा कमाया है उससे जो जो जहाँ जहाँ संपत्ति बनाई है, हम उस सारे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा बुलडोजर चलेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत। गुरुग्राम के जिमखाना क्लब में उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर जाट कल्याण सभा द्वारा भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विकास व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां सेक्टर 10 में जाट भवन के लिए 1800 गज जमीन दिलवाने पर जाट समुदाय ने विकास एवं पंचायत मंत्री का आभार जताया है। मंत्री ने भवन निर्माण के लिए निजी कोष से 11 लाख रुपए की राशि भेंट करने की घोषणा की है। हरियाणा कला परिषद के कलाकार हरविंदर राणा व उनकी टीम ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया। आज जब मैं गुरु देवीलाल जी की 109वीं जयंती पूरा हरियाणा का पूरा देश मना रहा, तो ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना सब कुछ प्रदेश की देश की जनता के लिए समर्पित कर दिया और एक लंबा संघर्ष, आज सब ने उनको उनके गुरु जयंती बधाइयां दी रखी थी, उन्होंने भी उनको अक्सर एक मम्मी अलावा जाट कल्याण सभा की महिला विंग प्रेसिडेंट और यहाँ का बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे प्रीतम सिंह जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। जमीन आज आपको मिली, आप अंदर से कैसे? नहीं, वो सबसे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ क्योंकि वो मेरे घर से 1 मिनट की दूरी पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे, और कहीं नहीं मिली। पूरा देखिए, पूरा एरिया सब गांव में भी देख लिया, यहाँ के कई सालों से 13 सालों से कोशिश हो रही थी, कहीं नहीं मिली। जाट समाज को प्रदेश की सरकार, माननीय मनोहर जी की सरकार ने हमें 1850 गज जगह दी और बड़ी खुशी की बात है उस भव्य भवन को बनाने के लिए हम सब लोग आज मिलन समारोह में समाज के लोग इकट्ठा हुए और बढ़ चढ़ कर सब लोगों ने धन्यवाद किया। मैं जाट समाज की गुड़गांव की और प्रदेश की सरदारी का धन्यवाद करूंगा इस मौके पर सब लोगों ने इस आहुति डालने का जो काम किया है लोगों ने। खबर पंचकुला से है, जहाँ अश्विनी नवरात्र के पहले दिन माता मनसा देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेका। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव, हरियाणा के लेडी गवर्नर बंडारू वांस्था ने अश्विनी नवरात्र के पहले दिन ऐतिहासिक श्री माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। वहीं दूसरी ओर मंदिर में लगे भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। NIT फरीदाबाद इलाके में धड़ल्ले से चल रहे ओयो और इस्पा सेंटर में, जिसमें इस्पा सेंटर की आड़ में खुलेआम देह व्यापार का धंधा चल रहा था। 24-25 सितंबर को रात सेक्टर 21D में पुलिस ने रेड मारकर एक गेस्ट हाउस से देह व्यापार करने के आरोप में आधा दर्जन से अधिक युवतियों और 3 युवकों को दबोच लिया। लोगों का आरोप है कि NIT थाना पुलिस पहले भी ओयो और इस्पा सेंटर में रेड मार चुकी है, फिर कैसे दोबारा से ये इस्पा सेंटर वहां पर खुल जाते हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में NIT फरीदाबाद में ओयो
और स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का धंधा और खुलेआम सट्टे और अवैध शराब का भी धंधा चल रहा है।